हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए आज मेरे साथ कौन है, तो ये है मेरी बुआ, काफ़ी लोगों ने पहचान लिया होगा। इधर से तस्वीर से मतलब, तो बुआ जी जो हैं वो सुबह आ गए थे आज मेरे पास, और आज है फ्राइडे है और शाम का अभी क्या टाइम हो रहा हुआ, 5:30 ज़्यादा ही हो गया, 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और हम लोग जा रहे हैं अपने मायके, है ना। तो हम लोग जा रहे हैं मायके, बच्चे भी साथ में हैं, वो रीला वन्या और सुजल पहले चला गया है, उसके पापा भी पहले, और उनका बैग, उसका बैग जो है इस मंकी बैग उठाते हैं, वो देख मंकी देख रहा है उधर। तो अब हमें जाना पड़ेगा उधर, यहाँ से गाड़ी लेके दे मेरे पास, दे मेरे पास। मम्मा मंकी का नाम नहीं लिया की डालोगे ऐसे, मंकी का नाम नहीं लिया कि मंकी आ गया। हाँ मंकी आ गया, एकदम एक चूहे का नाम लेते हैं। कपड़े डाल दिए, ये भी दवाई भी। तो जी इनके ड्रेस वगैरह साथ ले जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं शुद्धि में, तो बुआ जी भी पहले नहीं आ पाए थे, जब वो एक्सपायर हुए थे मैं तो चली गई थी, लेकिन 10 कर्म होते हैं, 11वें दिन शुद्धि होती है, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो आज रात की है, कल सुबह की है, तो मॉर्निंग में जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। पहले हम सोच रहे थे कि सुबह जाएंगे लेकिन पहुँच नहीं पाते, तो इसलिए हस्बैंड ने बोला कि चलो अभी शाम को चलते हैं, मैं बच्चे लेकर स्कूल आ जाऊँगा और तुम लोग फिर वहीं रह लेना। तो बस अब निकल रहे हैं हम, तो हस्बैंड वगैरह चले गए हैं, नमस्ते अंकल, आगे शॉप बंद करने चले गए हैं वो, तो अब हम जा रहे हैं। ठीक है वो इसने कंगी नहीं की, नहीं की। मैं सोचा आपने कर दी इसकी। यो ब्रो, यो मैन, गाड़ी हिला रही। जी अभी हम पहुंच गए और हमने मम्मी को बताया, वो आपने नहीं, हमने मम्मी को नहीं बताया। सरप्राइज बोले, एक दिन आते दूसरे दिन चले जाते, फिर कैसे सर, ओहो कैसे नमूने हम। तो जी गुड मॉर्निंग, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और टाइम हो चुका है 5:45 का, और ये मैंने आपको दिखाई है खुरमानी, और रात में मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया, जैसे ही मैं आई उसके बाद बस बच्चों को वहाँ छोड़ा और हम लोग इधर आ गए, क्योंकि रात को भी आ गए थे यहाँ पर, और अभी फिर सुबह 5 बजे उठकर हम इधर आ गए हैं। ये देखो शक्लें हमारी, 12 बजे, ये बुआ और मम्मी मेरे साथ हैं। तो ये देखो हमारा गांव ना, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ गाड़ी यहाँ वगैरह लगती है, और ये इधर ये जो पिलर दिख रहे हैं ना इस घर के पीछे, ये वाला हमारा घर है, बाकी ये पूरा गांव इस तरीके से है। रात में हम लोग आए थे 11:30 बजे के करीब आए थे सब लोग, दादी पापा मम्मी, और सुबह अभी हम आ गए, पापा तो यहीं थे रात को, पापा कहीं नहीं गए लेकिन हम लोग आ गए थे। तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे बच्चों को तैयार करना है और उसके बाद उनको भेजना है स्कूल। तो बस यहाँ पर जो सुबह थोड़ी सी पूजा होती है उसमें हम गए और आ गए, और अब हम जाएंगे बाद में, दादी ना उस तरफ पहुँच गए हैं, दादी इधर रहे, मेरी चाची। अभी नहीं करते हैं
ठीक है तुम बोलो। बुआ को मिल गया, इधर बुआ घास काट रहे। बुआ पहले कहाँ आते थे आप? यहाँ धोते थे नीचे कपड़े, बड़े कपड़े धोने। ये जो ये यहाँ नहीं, यहाँ नीचे पानी में ना, पानी में ना पत्थर हुआ करता था। नलके होते थे बुआ पहले? कहाँ नलके, नलके में थोड़ी होता था पानी, खड़का। अपने घर से ये घास काट रहे हैं सुबह सुबह। नहीं ना घर का कोई नहीं ना, कर लिया चल। जी है मम्मी। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, फिर कैसा लग रहा है आपको? और आज कल जो है मम्मी की बैंड बज रही है। आजकल मम्मी के घर में काम जो है वो जोरों शोरों से लगा हुआ है। लकड़ी वाला काम भी लग गया है, और जो लोहे का काम होना था वो भी लग गया है, और जो सीमेंट रेत का लगा है वो तो लगा ही है, टाइल्स वाले हैं वो भी लग गए हैं। तो कैसा लग रहा है अब आपको? लग रहा है मजा आ रहा है, पैर सूज रहे हैं। बोलो मैं मम्मी को बोलूँ, मम्मी कैसा लग रहा है आपको? इसी मन से तेज है, बढ़िया काय करते हैं। यहां बोलो बोलो सीमा बेटा, तेल भिजवा देना। अब पानी नहीं है, अब नहीं है पानी। रोड निकाल दिया पीछे, गाड़ियां जाती है। पहले इस नाले से ना, यहाँ से हड है ना, ये नाला है। तो पहले गांव गांव से इधर आते थे, यहाँ पर कपड़े धोने आते थे। गांव में नलके वगैरह नहीं होते थे ना, तो एक नेचुरल सोर्स है पीछे जाकर, और एक इधर आता था खड का पानी, तो वो यहाँ प्रेशर में आता था। यहाँ पे बना रखा था ना वो, क्या बोलते थे उसको मम्मी? हुआ वो जो ऐसे बनाया होता है नाली जैसे, तो यहाँ पे फिर बड़ा सा पत्थर था। मेरे को हुआ के साथ याद आती है, एक बहुत बड़ा पत्थर, एक ही बार आई थी मैं, बहुत बड़ा पत्थर होता था। तो यहाँ आ जाते थे बड़े बड़े कपड़े धोने, सुबह आ जाते थे, फिर धोते रहते थे, यहीं सुखाते थे, फिर सुखा के घर ले जाते थे फोल्ड करके, है ना। क्या टाइम था ना हुआ, एक बार की याद है मुझे सिर्फ, कि आपके साथ में इधर, बाकी नहीं मुझे। अब तो जो है चेंज हो गया हुआ है सारा का सारा, सब कुछ चेंज हो गया हुआ है कि बिल्डिंग्स बन गई है। पहले पुराने घर होते थे शील वाले, इतने अच्छे लगते थे। और एक और चीज दिखाऊं, जो ये इधर गुफा दिख रही है मम्मी, ये क्या है मम्मी? मिट्टी कौन करता है? अब लिपाई है ना अभी भी घर, तुम्हारे पास नहीं है और नहीं। मुझे क्यों डांट रहे भाई आप? ये यहाँ से मिट्टी लेकर जाते हैं, ये लाल मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है ना, खोद खोद के इसको लेकर जाते हैं, यहाँ से भी लेकर जाते हैं। जो पुराने मिट्टी के कच्चे घर होते हैं ना, उसमें लिपाई की जाती है। दो तीन साल पहले तक हमारा घर भी होता था, उसमें भी लिपाई करते थे, लेकिन अब नहीं है। दो तीन साल नहीं, ज़्यादा हो गया। तो पुराने घरों में इस मिट्टी को ले जाते हैं, फिर पानी में भिगो के, और क्या डालते हैं इसमें? गोबर डालते हैं, और गोबर मिट्टी और उसकी लिपाई होती है। इतनी अच्छी खुशबू आती थी। यहाँ पर दोनों भाभी ननद का वो चला है, दुख सुख बांट रहे हैं। बहुत सही में पतले हो गया, फिट थी आपने ली मेरे को। ठीक है पतले, आप बड़ी कोशिश की थी आपने पतले होने की, कभी नहीं हुए अब हुए। अब बुआ जी जो है बहुत ही डाइट फॉलो करते हैं, और क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह, एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को डाइट फॉलो करते हैं। और मैं इनको कल से इनकी डाइट तोड़ रही हूँ, कभी समोसा खिला के, कभी कुछ खिला के, चाय पिला के खाना नहीं छोड़ना चाहिए। एक बात बोलूं तेरे को, इधर है जहाँ हम गए थे ना, अब सब लोग आ रहे हैं अपने अपने घर, थोड़ी देर बाद जाएंगे। जो यहाँ रहेंगे वो तो इधर ही रह रहे हैं, लेकिन मैं आ गई थी, लावण्या सुजल को मैं भेज देती हूँ स्कूल, क्योंकि एब्सेंट मैं नहीं करना चाहती। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं व्यू दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा बस स्टॉप है, यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा, यहाँ बस स्टॉप है, और उसके बाद ये देखो नीचे को ये खेत है, सीढ़ी नुमा खेत ये होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत। मम्मी आगे से ही चलो, आगे से चलो, हाँ नहीं होती अभी। ये देखो, तो पहले ना ये वाला रास्ता जाता है, मतलब जब गाड़ी वाला रास्ता नहीं था, यहाँ से पैदल जाते हैं ऊपर,
ऊपर से इधर, लेकिन अब रोड निकाल दिया है तो आगे वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है। दादी पहुंच गए ऊपर टॉप पे, ये देखिए यहाँ दूसरा छोर है हमारे गांव का, और ये देखिए नीचे तक, नीचे जाकर खड्ड है लास्ट में, और ये देखिए क्यार है सारे। और हम लोग गए थे, फोकस ही नहीं हो रहा, हम लोग गए थे ये वाले घर, दिख नहीं रहा, ये वाले घर हम लोग गए थे, यहाँ पे है वो भैया का घर, ये देखिए यहाँ पे आपको भीड़ भी दिख रही होगी, तो वहाँ से चल के और ऊपर ऊपर तक गांव में। तो ये यहाँ पर है प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर हम गाड़ियाँ लगाते हैं ना, वहाँ से आगे, और ये वाला रास्ता जाता है मेरे नानू के घर, जो मेरे असली मतलब नानू जहाँ के हैं, और ये ऊपर जाकर है मेरे मामू का घर, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके ऑपोजिट साइड में बाकी नाना वगैरह रहते हैं। तो एक गांव अब इधर को भी बस गया है, हमारा ही गांव है, लेकिन ये देखो अब इधर को भी लोग चले गए हैं, उधर हमारा बगीचा है इधर, और इधर को भी लोग हैं। अब ये देखिए नीचे नीचे तक बस गए हैं काफ़ी सारे लोग, ये देखो ये दो अपने मस्त होके बात कर रहे हैं। चाय बनाई है मैंने अभी, ग्रीन टी, और अपनी चाय लेकर मैं इधर आ गई हूँ, और बहुत सारे बुआ वगैरह आए हैं, मतलब एक मेरे बुआ है, एक मेरे जो ससुराल में जिनकी शादी हुई वो वाले बुआ है, दो बुआ और हैं। तो यहाँ पर जो है लावण्या तैयार हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, घर अभी 6 बज रहे हैं। हाँ, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा, मम्मा नहीं आ रही, हम तो शाम को इधर ही आएंगे ना स्कूल के बाद। ओके, क्योंकि कल तो संडे है, कल संडे है, आज इनका बैगलेस डे है ना। हाँ, हस्बैंड सोच बोल रहे थे कि रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं मैं भेज देती हूँ। तो यहाँ पर सोए थे मैं और बुआ, और यहाँ दादी, और यहाँ पर लावण्या मम्मी और सुजल। तो चलिए मैं फटाफट इसको तैयार करती हूँ। आप गए नहीं उधर? किधर? उधर, चलो बैठ कर। नहीं पढ़ रहे? आज तो हल्का ही। टिफिन डाला है मम्मा? हाँ बेटा डाल दिया। वो कहाँ रह गया लड़का? पानी की बोतल डाल दी है? हाँ हाँ, आगे भर देना पानी। हाँ चलो ठीक है। हाँ यार, वो भी बोल रहा था आने को। तो जी 7:30 का टाइम हो गया, और देखो मम्मी के यहाँ पर लग गई धूप, और अब ना शाम को 2:30-3 बजे तक इतनी तेज धूप लगती है ना यहाँ पे, और अभी तक ठंड थी, स्वेटर पहनी है। यहाँ गया सुजल, पता नहीं पहुँच जाएंगे 8:30 तक, जल्दी पहुंच जाएंगे। बस जाम वगैरह मतलब गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए सुबह ना, गाड़ियाँ बहुत होती है, ट्रैफिक होता है सुबह, फिर पास देते देते वापस हटना पड़ता है। अब दोनों में लड़ाई, एक बोलेगा मैं आगे बैठूंगा, दूसरा मैं। बाय। हाँ बेटा ठीक है। तो जी बस ये गए, और देखो गांव का व्यू ना कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो चलो मैं चलती हूँ पीछे, पीछे बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं, पूरे पूरे 7:34 हो गए, अब देखो कितनी देर में पहुँचते हैं। ये रहे, ये आप देख सकते हैं टाइलें लगनी स्टार्ट हो गई हैं, ये देखिए इस तरीके के टाइल्स लग रही है। और ऊपर ये जो भैया है ना, ये वो लोहे वाले भैया है, मतलब बेडिंग वाले हैं। अभी लाइट ही नहीं है, लाइट रात से लेकर नहीं है यहाँ पे, रात को इतना तेज़ तूफान आया था तब चली गई थी लाइट, तब अभी ये बेचारे इधर उधर ही घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं लाइट का। देखो अब लाइट कब आती है।
तो जी अभी मैं आप लोगों को मिलवा रही हूँ दादी से, और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मम्मी और बुआ जो हैं वो बात कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा आपने दादी से नहीं मिलवाया, क्योंकि दादी तब किसी के घर गए थे और आज भी दादी जा रहे हैं अपनी बेटी के घर, मतलब बुआ के साथ। तो कुछ दिनों के लिए अब वो वहीं रहेंगे, और यहाँ पर मैं दादी को बोल रही थी सब लोगों ने आपको मिस किया है। तो ये देखिए बुआ यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, इसके बाद का मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो का एंड मैंने यहीं किया है, देखिए बुआ और दादी जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।